कलिंजरे में बने 15 साल पुराने स्वास्थ्य उपकेंद्र में आज तक भी कोई भी स्वास्थ्य कर्मी की तैनाती नहीं करी गई है, जिससे गांव में लगातार बुखार व कोरोना से मौत हो रही है। जोगिंदर गढ़ी कलंजरी, परेशानी यहाँ पे, ये स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। कोरोना से यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, रोज नए नए केस आ रहे हैं, यहाँ पे मौतें भी बहुत हो चुकी हैं और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई ऐसी कोई खास सुविधा नहीं है। और यहाँ पे जो ये हॉस्पिटल बनी हुई है, ये जर्जर हो रही है, यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई भी बेड की सुविधा नहीं है। और कोरोना के लिए तो कोई किसी तरह की पूरे गाँव में कोई सुविधा नहीं है, कोरोना के लिए कोई वैक्सीन है या कोई मतलब गैस की सुविधा है, कुछ नहीं है यहाँ पे। और ये मोस्टली जो जच्चा बच्चा के लिए बनाई हुई है, यहाँ पे कोई बेड की सुविधा नहीं है और कोई भी किसी तरह की परमानेंट कोई डॉक्टर नहीं बैठते यहाँ पे इसमें। ये जर्जर हो रही है, कम से कम 12 साल से बनी हुई हॉस्पिटल है ये, इसमें कोई डॉक्टर नहीं आता। विजेंद्र यादव जी, गढ़ी कलंजरी, स्वास्थ्य सेवाएं ढीली चल रही है जी, कोई सफाई स्वास्थ्य कर्मी आया नहीं है जी। और जो है वर्षों पुराना वो बन रहा है स्वास्थ्य केंद्र, उसमें जो है बेकार है, बिल्कुल खंडर गिरने की हालत में है, ना कोई आज तक उसमें कोई डॉक्टर बैठता, जो भी कोई एक आधा आवे वो इधर उधर ही बैठ के चला जा, और इस तरह की कोई व्यवस्था या कोई जो है वो नहीं है यहाँ बिल्कुल भी। और इधर उधर लोग जो बाहर इलाज करा रहे हैं, दूर दूर जाए, कोई गाजियाबाद जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, इधर उधर, यहाँ जो है कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है सरकार की तरफ से। मैं देवराज कसाना, मैं इस जो अपना स्वास्थ्य केंद्र है, इसकी कई बार मांग उठा चुका हूँ प्रदेश सरकार से भी और केंद्र सरकार को भी। मैंने जो है अपने जो सांसद हैं उनको भी एक लेटर लिख के दिया था, लेकिन इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डिस्ट्रिक्ट का सबसे लास्ट गांव है ये, यहाँ से अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है, एम्बुलेंस बुलाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो जो है यहाँ से ले जाने में और जिला मुख्यालय जो हमारे हॉस्पिटल है वहाँ तक ले जाने में मरीज जो है दम तोड़ सकता है। इसलिए यहाँ पे 2 बेड की या 4 बेड की एक हॉस्पिटल स्टार्ट हो जाए और उसमें फर्स्ट एड यानी कि पहली प्राथमिक उपचार मिल जाए तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अब फिलहाल तो जो है कोरोना की महामारी चल रही है, हर जगह प्रदेश सरकार कर रही है, लेकिन यहाँ पे आज भी कोई स्थिति वही की वही है। 20 साल से ज़्यादा इस बिल्डिंग को बने हुए हो लिए हैं, लेकिन यहाँ पे आज तक कोई डॉक्टर है ना कोई है, किसी तरीके का नहीं है। बिल्डिंग भी जर्जर हो चुकी है और लोगों का यहाँ पे आप देख रहे हैं कब्जा भी है। वीरेंद्र कुमार, गढ़ी कलंजरी प्रधान, स्वास्थ्य विभाग 15 साल से जो कोई मामला नहीं खराब हुआ पड़ा, ना तो कोई आंगनबाड़ी बैठती, ना कोई डॉक्टर, ना कोई, बिल्कुल 15 साल से टीकाकरण भी होता है तो जो कभी प्राइमरी स्कूल में कभी किसी घर, और जो है 15 साल तक कोई व्यवस्था नहीं है, ना किसी ने सुनी, कोई कई बार कर लिया मतलब शासन के लिए भी, कोई संज्ञान में नहीं आया कोई मामला आज तक भी, और ना कोई डॉक्टर है, ना कोई नहीं, खंडर तो नहीं है पर हो जाएगा तब्दील, लाखों मतलब खूब बढ़िया कीमत का बना हुआ है और उस कीमत की भी ख़त्म हो जाएगी। उपड़ा पत रहे हैं, बिटोड़ा रख रहे हैं, उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी पानी की व्यवस्था नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसमें आज हालत ऐसी हो चुकी है जो खंडर में बिल्कुल तब्दील हो चुका है, और गाँव के ग्रामीण उसमें जो है गोबर डालते हैं और उपले पत्रे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जनवाणी न्यूज से मैं डॉक्टर जावेद हसन बागपत।